गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो हेडलाइंस है उस हेडलाइंस को समझने की कोशिश करें कि रिप्रोडक्शन क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं जो कि हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, उसमें ग्रोथ होगा। ग्रोथ के साथ साथ उसमें न्यूट्रिशन लेगा तो ग्रोथ करेगा। उसमें रिस्पायरेशन होगा, एक जगह से दूसरे जगह तक लोकोमोशन करेगा। उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी, इसके साथ साथ वो रिप्रोडक्शन करेगा, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स जिस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जिस थिंग में पाए जाते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हम लोग देखें कि रिप्रोडक्शन व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस इट्सेल्फ सिमिलर। अब क्या है, हम लोग को रिप्रोडक्शन में डिफरेंस चीज़ों को पढ़ना है। अब हम लोग देख लें कि इस फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोगों को लाइफ स्पैन पढ़ना है, इसके बाद लाइफ स्पैन के एग्जांपल्स को पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लाइफ स्पैन। अब ये लाइफ स्पैन होता क्या है, व्हाट इज़ लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। मतलब किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ, ये नहीं कि सीधा डेथ आए, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया और ऑर्गेनिज्म डेड हो गया तो वो हम लोग लाइफ स्पैन कह सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ स्पैन कहेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग के इन्वायरमेंट में आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, एक छोटा चींटी से लेकर के बड़े बड़े हाथी तक, एलिफेंट तक जो ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें क्या है कि सबका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, वायरस हैं, तो सारे चीज़ों का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। तो ये जो लाइफ स्पैन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज और शेप पे निर्भर नहीं करता है। जैसे हम लोग देख लें कि एक पैरोट है, पैरोट का जो लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स है, और पैरोट एक छोटा सा बर्ड्स है और इसे जो पैरोट्स हो गया तो 140 ईयर्स हो गया। अब हम लोग ह्यूमन को देखते हैं तो ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है 62-65 ईयर्स है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो पैरोट ह्यूमन की कंपैरिजन में पैरोट का जो शेप और साइज होता है वो छोटा होता है, लेकिन फिर भी क्या है, इसका जो लाइफ स्पैन है वो ह्यूमन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जो लाइफ स्पैन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। फिर से हम लोग देखें लाइफ स्पैन क्या है। तो लाइफ स्पैन एक पीरियड है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ से लेकर के उसके नेचुरल डेथ के बीच का जो समय होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ स्पैन कहेंगे। कुछ एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन है 1-2 वीक का है, ह्यूमन का 60-65 ईयर्स, पैरोट का 140 ईयर्स, डॉग का 20-25 ईयर्स, टॉर्टोइस का 100-150 ईयर्स। अब ये तो हो गया टेरेस्ट्रियल टॉर्टोइस, बहुत सारे जो एक्वेटिक टॉर्टोइस हो सकते हैं या हम लोग सी ओशियंस टॉर्टोइस को देखें तो वो 200-300 ईयर्स तक भी जीवित रहते हैं, उनका लाइफ स्पैन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लाइफ स्पैन को समझा। हम लोग आगे हम लोग रिप्रोडक्शन को देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इट सेल्फ। रिप्रोडक्शन व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज
बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इट्सेल्फ। रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी रखता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम लोग देखें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के को डिफाइन करते हैं। तो इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल्स इज कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ एस्प्रिंग इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो यह भी रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें सिंगल पेरेंट्स ही अपने जैसे ऑफ एस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। दिस गैमेट्स फ्यूज होकर के अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो ऐसे जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स होंगे उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। तो इसका फर्स्ट टाइप हो गया फिजन। फिजन सेकेंड टाइप हो गया बडिंग। थर्ड हो गया एस्पोर फॉर्मेशन। एस्पोर फॉर्मेशन इसका फोर्थ टाइप हो गया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेक्स्ट हो गया रीजेनरेशन। ठीक है, तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को देखते हैं। फिजन, रीजेनरेशन, बडिंग, एस्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम लोग फिजन को देखें। फिजन क्या है? इस फिजन में क्या होता है कि फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सिंपल डिविजन द्वारा डिवाइड होकर के टू और मेनी ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। यह प्रोसेस फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, हम लोग फ्यूजन को देखते हैं। फ्यूजन में क्या हो गया? फ्यूजन में वन ऑर्गेनिज्म सिंपल डिवीजन के द्वारा अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके मेनी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। इट्स कॉल्ड फ्यूजन। रीजनरेशन क्या है? तो रीजनरेशन में
री मतलब फिर से जनरेट, जनरेशन मतलब फिर से जनरेट होना, फिर से बनना। तो रीजनरेशन में वैसे ऑर्गेनिज्म में इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है जो अपने आप को फिर से जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग लिजर्ड को देख लेते हैं। लिजर्ड का जो टेल होता है दरवाजे या खिड़कियों में फंस करके जब कट जाता है तो फिर से इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये फिर से बन जाता है। इसी तरह से इसका एग्जांपल हो गया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है कि प्लेनेरिया में भी उसकी अगर बॉडी पार्ट को हम लोग काट दें तो उसका बॉडी पार्ट फिर से न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के कैपेबल होता है। बडिंग को देखते हैं तो बडिंग क्या है, बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स है जिसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर या फिर इनर साइड में बड का फॉर्मेशन होता है और यही बड पेरेंट्स बॉडी से अलग होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म्ड करते हैं। एस्पोरुलेशन या एस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि एस्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जब ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में चले जाते हैं तो अपने आप की बॉडी को सिमट करके उसके चारों तरफ एक वाल की स्ट्रक्चर या फिर मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशन में आते हैं तो ये जो वाल है, ये मेम्ब्रेन है, वो टूट जाती है और उससे ढेर सारे न्यूक्लियस निकलते हैं जो ग्रो करके स्पोर का या न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म्ड करते हैं। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा हो गया। इसमें भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को टुकड़े टुकड़े में बांट देता है, डिवाइड कर देता है, जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें डिवीजन का जो कॉजेज होता है वो होता है बेवी एक्शन की वजह से फ्रेगमेंटेशन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में होता है, ऑर्गेनिज्म में रेयरली या नहीं के बराबर होता है। तो प्लांट्स में क्या होता है, सीड्स और फ्लावर को छोड़ करके प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम और लीव्स, उसके द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसी को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम लोग देखें फ्यूजन के टाइप्स को। Types of fission के भी टू टाइप्स हो गए। एक हो गया बाइनरी फ्यूजन, दूसरा हो गया मल्टीपल फ्यूजन। अब हम लोग फ्यूजन देख लें। फ्यूजन में क्या हो रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप के बॉडी को डिवाइड करके टू और मेनी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, ये प्रोसेस फ्यूजन हो गया। अब यहाँ नाम से ही स्पष्ट है बाइनरी, बाइनरी मतलब दो, मल्टीपल मतलब मेनी। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या हो गया कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ये खास करके अमीबा में देखा जाता है, तो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, सिंपल डिवीजन के द्वारा सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डंबल शेप में डिवाइड कर देता है। फिर ये न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं और दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, डॉटर सेल को फॉर्म्ड करते हैं। ये किस में हो गया, अमीबा। तो बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल हो गया अमीबा। बाइनरी फ्यूजन क्या है, तो फ्यूजन का एक फ्यूजन जैसी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले सिंपल डिवीजन के द्वारा अपने न्यूक्लियस को दो भागों में डिवाइड कर दिया और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया। तो इसके एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा। अब हम लोग मल्टीपल फ्यूजन में देखें तो हम लोग देखते हैं क्या कि आसपास या फिर हम लोगों को ही कभी कभी मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, तो ये प्लाज्मोडियम जो है हम लोगों के बॉडी के अंदर आकर के क्या करता है, न्यूक्लियस में डिवीजन करता है और न्यूक्लियस एक प्लाज्मोडियम डिवाइड हो करके बहुत सारी अपनी संख्या को बढ़ा लेता है और फिर हम लोगों को मलेरिया हो जाता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल फ्यूजन का। तो इसमें क्या हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं प्लाज्मोडियम का। ये हो गया प्लाज्मोडियम, अब क्या हो गया, ये प्लाज्मोडियम हम लोग के बॉडी के अंदर आ गया और अंदर आने के बाद ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू कर देता है और ढेर सारे न्यूक्लियाई को फॉर्म करता है, ढेर सारे न्यूक्लियाई बना लिया इस तरह से। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ढेर सारे न्यूक्लियाई।
और फिर क्या हो गया, ये जो इसका बाल है वो बाल टूट जाता है, इस तरह से टूट करके ढेर सारे प्लाज्मोडियम बाहर आ गए, मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक प्लाज्मोडियम से मेनी प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह का जो फिजन होता है उसको हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। फिर से हम लोग एक बार देखें, फिजन तो देख ही लिए। अब फिजन के टू टाइप्स हो गए, एक हो गया बाइनरी फिजन, एक हो गया मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बाइनरी फिजन कहेंगे। मल्टीपल फिजन में क्या हो गया, इसका बाइनरी फिजन का एग्जांपल हो गया अमीबा। मल्टीपल फिजन में क्या हो गया, एक ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर आया, और अंदर आने के बाद वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके ढेर सारे न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस कर दिया, यही न्यूक्लियाई ग्रो करके डेवलप हो करके ढेर सारे प्लाज्मोडियम को फॉर्म्ड कर देते हैं, मतलब एक प्लाज्मोडियम से ढेर सारे ऑफस्प्रिंग यंग वंस का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बडिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप क्या है, बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग का जो एग्जांपल हो गया वो हो गया हाइड्रा, एस्ट। अब बडिंग क्या है, तो बडिंग में ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर बड का फॉर्मेशन होता है, हो गया हाइड्रा। अब धीरे धीरे बड ग्रो करता है, हम लोग बड को समझते हैं। बड क्या है, तो बड में ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनर या आउटर साइड में बड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये बड धीरे धीरे ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद नेचुरल या किसी भी आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा अपने पेरेंट्स बॉडी से टूट करके अलग हो जाते हैं, डिवाइड होकर के अलग हो जाते हैं, और फिर से इस बॉडी से टूटे हुए पार्ट से जो इसका पार्ट बचता है उस टूटे हुए पार्ट को फिर से ऑफस्प्रिंग में न्यू यंग वंस में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बडिंग कहते हैं। बडिंग को फिर से एक बार हम लोग समझे, बडिंग क्या है, तो बडिंग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर बड का फॉर्मेशन होता है, बड ग्रो करते हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से बड पेरेंट्स बॉडी से टूट करके अलग हो जाते हैं और फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रा और ईस्ट। हम लोग टाइप्स ऑफ बडिंग को देखते हैं, टाइप्स ऑफ बडिंग। बडिंग के भी टू टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल बडिंग इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग इंटरनल बडिंग
अब हम लोग देखें एक्सटर्नल एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग का एग्जांपल हो गया हाइड्रा, ईस्ट, राइजोब्स, ईटीसी। एक्सटर्नल बडिंग में क्या होता है? एक्सटर्नल बडिंग में ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर बड का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया हम लोगों का ईस्ट। ये हो गया बट। अब हम एक्सटर्नल बडिंग को देखते हैं। एक्सटर्नल बडिंग में क्या हो गया? ईस्ट के बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल बड मतलब बाहरी हिस्से में मतलब ऊपर से बड का फॉर्मेशन हो गया और ये बड फिर क्या हो गए, पेरेंट्स बॉडी से टूटकर अलग हो जाते हैं और यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से ये क्या हो गया, ऑफ स्प्रिंग। इंटरनल बडिंग का एग्जांपल हो गया स्पंज। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्पंज होते हैं बॉडी के अंदरूनी हिस्से से मतलब इनर साइड में इसमें बड का फॉर्मेशन होता है। बड का फॉर्मेशन हो गया, यही बड ग्रो करने के बाद बॉडी से टूट करके निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं और फिर न्यू यंग वंस को फॉर्म करते हैं। तो हम लोग देखते हैं बडिंग के टू टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल बडिंग, इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग नाम से ही एक्सटर्नल बडिंग है, तो बॉडी ऑर्गेनिज्म जो है उसके बॉडी के एक्सटर्नल हिस्से पे एक्सटर्नल पार्ट पे बड का फॉर्मेशन होता है और ये बड अपने पेरेंट्स बॉडी से अलग होकर के ग्रो करके न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। इंटरनल बडिंग नाम ही है, इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनिज्म है खास करके जो ओशियन स्पंज होते हैं, स्पंज में इंटरनल बडिंग होता है, बॉडी के अंदरूनी हिस्से में इनर साइड में क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होता है और ये बड आर्टिफिशियल या नेचुरल तरीके से टूट करके बॉडी से अलग हो जाते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग नेक्स्ट जो तीसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा टाइप है उसको हम लोग देखेंगे। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो गया कि कोई ऑर्गेनिज्म जब अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाता है तो अपने बॉडी के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है, चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन गया, इस मेम्ब्रेन को सिस्ट कहते हैं। अब क्या हो गया कि मेम्ब्रेन फॉर्म करने के बाद बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस डिवाइड होने लगते हैं और ढेर सारे न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो इसका सिस्ट होता है वो सिस्ट ब्रस्ट कर जाता है और इससे ढेर सारे न्यूक्लियाई मतलब स्पोर बाहर निकल जाते हैं और इसी स्पोर से डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है।
तो हम लोग एक बार फिर से स्पोर फॉर्मेशन को देखें। स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स हो गया, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में अपने बॉडी के चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फेवरेबल और सिस्ट के फॉर्मेशन के बाद जो इसके बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके ढेर सारे न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस कर देता है। ये न्यूक्लियाई जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो सिस्ट ब्रस्ट कर जाता है, न्यूक्लियाई बॉडी से बाहर निकल जाते हैं स्पोर के फॉर्म में, और यही स्पोर ग्रो करके न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो आज हम लोग इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।